हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स कंटिन्यूइंग विदा सीरीज ऑन राइटिंग आज हम बात करेंगे ओपिनियन जैसे की ओपिनियन जैसे आर अ वेरी कॉमन अक्रेंस ए क्रॉस आइल्स एग्जाम यूजली क्या होता है या तो आपको डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस का ऐसे मिलता है प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशंस का ऐसे मिलता है या फिर आपको ओपिनियन बेस्ड ऐसे मिलता है ओपिनियन बेस्ड ऐसे में आपको एक इशू दिया जाता है उस इशू से रिलेटेड आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं ये आपको अपने ऐसे में डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है अलॉन्ग विद रिजेंट आर्ग्यूमेंट्स शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर हमने किस मार्किंग क्राइटेरिया को दिमाग में रखना है वाइल राइटिंग आर एसेज आपके सामने मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया है जहाँ पर मैंने चार मार्किंग क्राइटेरिया लिखे हैं इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले तो टास्क अचीवमेंट टास्क अचीवमेंट का मतलब है कि जो भी आपको अपने टॉपिक में इशू दिया गया है आपने उसको फॉलो करना है और उसी से रिलेटेड अपना आंसर लिखना है जैसे इस पर्टिकुलर हिस्से में आपसे पूछा गया है डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फॉर योर सेल्फ आउट वे द ड्रॉबैक्स नंबर वन नंबर टू गिव रीजंस फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड एनी रेलिवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस तो ये दोनों ही चीज़ें आपके टास्क अचीवमेंट का पार्ट हैं। जब आप इन दोनों चीज़ों को सही तरीके से आंसर करेंगे तो माना जाएगा कि आपने टास्क अचीवमेंट करी है उसी के आपको मार्क्स मिलते हैं बैंड्स मिलते हैं उसके बाद बात करते हैं कोहरेंस इन कोहिजन की कोहरिंस इन कोहिजन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स यू हैव टू कीप एन माइंड वाइल राइटिंग योर एसे कोहरेंस का मतलब है आपकी जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होंगी एग्जाम में वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए उनके बीच में कोई फॉल आउट नहीं होना चाहिए मतलब दे इट शुड नॉट लुक लाइक एज इफ दे आर नॉट कनेक्टेड टू इच अदर या फिर आप रैंडमली चीजें उठाकर अपने ऐसे में बोल रहे हैं यू हैव टू क्रिएट अ कोहरेंट स्ट्रक्चर दैट इज देर हैजू बी अ फ्लो इन योर एस ए उसके बाद बात आती है कोहिजन की कोहिजन का मतलब होता है कि आपका जो पूरा एसे है उसमें एक अच्छा स्ट्रक्चर है वो वेल well ऑर्गेनाइज है वेल well स्ट्रक्चर्ड है फर्स्टली सेकेंडली थर्डली एंड में कंक्लूजन शुरू में इंट्रोडक्शन मेन बॉडी के तीन अलग अलग पैराग्राफ्स ये सारी ही चीज़ें डिटरमाइन करती हैं कि आपके ऐसे में कोहिजन है या नहीं इसी चीज़ के आपको मार्क्स भी मिलते हैं उसके बाद बात आती है लेक्सिकल रिकोर्स की लेक्सिकल रिकोर्स का बहुत ही सिंपल मीनिंग है आप कितनी वोकैबलरी होल्ड करते हैं उस वोकैबलरी को सही तरीके से यूज कर भी पाते हैं या नहीं वो सारी चीज़ें लेक्सिकल रिकोर्स का पार्ट होती हैं यू हैव टू शो दैट यू हैव अ गुड वोकेबलरी उसके लिए हम रूल फॉलो करते हैं कि हर पैराग्राफ में एक छोटा सा ईडियम लिखें और साथ में एक डिफ़िकल्ट वर्ड लिखने की कोशिश करें एंड में आता है ग्रामर रेंज एंड एक्यूरेसी आपको दिखाना है कि आप कॉलोकेशंस को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं या नहीं एडवर्ब्स को एडजेक्टिव्स को किन किन वेज़ में यूज़ करते हैं साथ ही आप अपने पंक्चुएशंस uh, का ध्यान रखते हैं या नहीं और एंड द एंड कहाँ लगेगा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें ग्रामर रेंज में आती हैं सिर्फ ग्रामर रेंज दिखाना ज़रूरी नहीं है ग्रामर रेंज के साथ आप जो दिखा रहे हैं ग्रामर दैट शुड बी एक्यूरेट। अगर आपने गलत ग्रामर यूज़ कर दी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे तो अच्छी ग्रामर होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है आंटल अनलेस यू नो हाउ टू यूज इट इन एन एक्यूरेट मैनर तो ये तो बातें थी कि हमारा मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं और इन चार रूल्स को चार मार्किंग क्राइटेरियाज को फॉलो कर कर हम अपना ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास फोर्टी मिनट्स होते हैं अब टॉपिक पढ़ते हैं याद रखिए जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है इसी को हमने पैराफ्रेज करना है और फिर अपनी इंट्रोडक्शन uh, को बिल्ड करना है सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग इट इज़ अ कॉमन एस्पिरेशन अमंग मेनी यंग पीपल टू रन देयर ओन बिजनेस राधर देन वर्क फॉर एन एम्प्लॉयर अब हमने ये एक लाइन पढ़ ली है तो देखते हैं कि हमारी इंट्रोडक्शन इसको यूज करके हम कैसे लिख सकते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे हमने uh, अपनी इंट्रोडक्शन को बनाया है यूजिंग द क्यूज दैट वर ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू अर्स इन साइड द पैराग्राफ तो यहाँ पर नोटिस कीजिए मैंने ओपनिंग लाइन uh, में लिखा है नाव डेज दिस इज अ वेरी कॉमन वे ऑफ स्टार्टिंग इन एस ए सो यू कैन रिमेंबर दिस एंड यूज अक्रॉस योर एसेज नाव एड इज़ डूइंग योर ओन बिजनेस हैज़ बिकम अ ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन अमंग पीपल देखिए हमें बोला गया था क्यू वाली लाइन में कि आजकल बहुत से बच्चे फ्रेश ग्रेजुएट्स अपनी ग्रेजुएशन uh, के बाद ही बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं उसी को हमने रीफ्रेस करके लिखा है नाव ए डेज डूइंग योर ओन बिजनेस हैज़ बिकम अ ल्यूक्रेटिव करियर ऑप्शन अमंग पीपल लुक्रेटिव इज़ अ वर्ड दैट शोज़ योर लेक्सिकल रीकोर्स

ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है ये आपने याद रखना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है आप याद रखिए कि आपका टास्क है कि आपको अपना ओपिनियन स्टेट करना है तो आपको कोशिश करनी है कि आप हर पैराग्राफ में अपने ओपिनियन को स्टेट कर रहे हैं ओपिनियन को स्टेट करने के लिए इवन आई एग्री इज अ वेरी कॉमन फ्रेज इवन आई एग्री दैट देर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस टू वर्क फॉर योर ओन सेल्फ But it is important to remember that running a business is not child's play. Child's play is a very good idiom that can be used here. So this is how we have to build our introductions. आप थोड़ा सा practice करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि introduction बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है. Simply जो cues और information आपको दिए गए हैं, उनको आपने rephrase करना है, paraphrase करना है, साथ में अपनी तरफ से एक दो lines जोड़नी है याद रखिए जो लाइनें आप जोड़ रहे हैं दे शुड बी रेलिवेंट मतलब देर हैज टू बी सम फ्लो इन योर होल ऐसे आप इधर से उधर से उठा के कुछ भी नहीं लिख सकते यू हैव टू मेक श्योर दैट वॉट एवर आर राइटिंग इज रेलिवेंट द इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी यूजफुल फॉर द रीडर तो अगेन आप अपनी तरफ से एक लाइन जोड़िए एंड वॉल योर इंट्रोडक्शन इज रेडी तो अब बात करते हैं कि आगे हमने कैसे बढ़ना है अपने हिस्से में लेट्स गो बैक टू आर क्वेश्चन तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमारे पास दो टास्क हैं इन दोनों ही टास्क को अचीव करने की हमने कोशिश करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ वर्किंग फॉर योर सेल्फ आउट विद द ड्रॉबैक्स कितना अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है कि किस बारे में आपने बात करनी है आपने बात करनी है बिजनेस के एडवांटेजेस की आपने बात करनी है बिजनेस के ड्रॉबैक्स की इन दोनों बातों को करने के बाद आपने एक एनालिसिस करना है अपने कंक्लूजन में उस एनालिसिस के बेसिस पे आपने अपना ओपिनियन देना है कि आप क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर इशू के बारे में तो सिंपली हमें बता दिया गया है कि अपनी मेन बॉडी को हमने कैसे कैसे आगे बढ़ाना है किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है उसके बाद आपका सेकेंड टास्क है आपको रीजन्स देने हैं अपने आंसर के लिए दैट इज ऑल योर पॉइंट्स दैट यू राइट इन योर एस ए दे हैव टू बी सपोर्टेड बाय एक्सप्लेनेटरी आर्ग्यूमेंट्स यू कैन नॉट जस्ट राइट अ लाइन एंड गो अवे यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाई यू हैव चोजन अ पर्टिकुलर पॉइंट फॉर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन तो गिव रीजन्स फॉर योर आंसर एंड इंक्लूड रेलिवेंट एग्जाम्पल्स फ्राम योर ओन नॉलेज और एक्सपीरियंस तो आइए देखते हैं कि इन दोनों टास्क को हम कैसे अचीव करेंगे साथ ही अपने ऐसे में कोहरेंस और कोहिजन कैसे लेकर आएंगे तो हमने इंट्रोडक्शन तो पढ़ ली थी अब हम अगला मेन बॉडी का पैराग्राफ पढ़ते हैं देर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग अप योर बिजनेस देखिए दिस इज अ टॉपिक सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस मतलब हमने ऑलरेडी इस सेंटेंस के साथ अपने एस की टोन को सेट कर दिया है अपने पैराग्राफ की टोन को तो अब यहाँ पे हमने सेवरल बेनिफिट्स लिखा है तो इस पैराग्राफ में हम सेवरल बेनिफिट्स को फॉलो करेंगे या फिर उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले वन कैन इन्जॉय अ लॉट ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम वाइल रनिंग हिज और हर ओन बिजनेस नंबर वन नंबर टू यू कैन सेट गोल्स फॉर योर सेल्फ एंड फॉलो देम विदाउट टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द बॉस नथिंग इज़ मोर फुलफिलिंग देन बींग द कैप्टन ऑफ योर ओन शिप Captain of your own ship, very good phrase. It's a lexical recourse. In addition to this, a businessman generates employment opportunities in the society, which a person doing a job cannot do. So these are the several benefits or of having your own business. As I said, हमने topics, इंटेंस के साथ अपना essay शुरू किया था. यहाँ पर हमने बहुत सारी छोटी-छोटी चीजों -छोटी के बारे में बात किया. Five to six lines में अपने पैराग्राफ को खत्म कर दिए.

फर्दर का एक और फ़ायदा है आपने जो आर्ग्यूमेंट्स पिछले पैराग्राफ में दी हैं अगर उनको आप वहाँ पर इलेबरेट नहीं कर पाए तो आप उनको अपने अगले पैराग्राफ में इलेबोरेट कर सकते हैं याद रखिए हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एडवांटेजेस बताइए और उसके बाद ड्रॉबैक्स बताइए और फिर एनालिसिस करके अपना ओपिनियन दीजिए तो हमने याद रखना है कि वी हैव टू फॉलो दैट क्यू इन आर एस एज वेल You can keep the profits if the company is successful. A person doing a regular job howsoever well paying can never earn as much as a businessman. This is a new point. For instance, instance money example kitoorpe example dena bhi is part of a task achievement. If you set up your own visual design company, you are able to garner good reputation in the market, then you can make considerable slash substantial profits. ये दोनों ही वर्ड्स का एक ही मतलब होता है इसलिए मैंने स्लैश डाला है एग्जाम में आपको एक ही वर्ड लिखना है यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में आपके लिए एक और एग्जाम्पल लिखी है याद रखिए कि वहाँ पर हमसे पूछा गया था कि आप ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जो आपके एक्सपीरियंस से जुड़े हैं या जो आप जिनके बारे में आपको नॉलेज है तो जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होती है तो हम उनको एग्जाम्पल्स का हिस्सा बना सकते हैं इस एग्जाम्पल की जगह आप ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आइए पढ़ते हैं फॉर इंस्टेंस मार्क जुकबर्ग एंड जेफ बेजोस हैव मेड ह्यूज प्रॉफिट्स बाय कीपिंग द मेजोरिटी शेयर्स इन देयर स्टार्टअप्स सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल दैट दैट यू कैन यूज इन योर एसेज मूविंग ऑन नाउ हैविंग सेड दैट इन इससे पहले जो दो पैराग्राफ्स थे उनमें हमने बात करी थी एडवांटेजेस की यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की Having said that, and all things considered, a businessman is free to enjoy the profits, but has also be, but he needs to be ready to bear the losses. For instance, during the COVID-19 pandemic, many businessmen suffered huge losses due to nationwide lockdown. This is again a very good way of making sure that you are achieving your task. Achieve kar rahe उससे पहले यहाँ पर भी हमने एग्जाम्पल्स दी थी, थी और हमने यहाँ पर भी रियल लाइफ से कोविड के रिलेटेड एग्जाम्पल दी है दिस मीन्स दिस इज़ हाउ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर अचीविंग योर टास्क एंड यूजिंग एग्जाम्पल्स टू फर्दर योर आर्ग्यूमेंट्स लेट्स कीप रीडिंग दे हैड टू ले ऑफ द स्टाफ एंड कट डाउन देयर ओन प्रॉफिट मार्जिन्स दस अ बिजनेस मैन हैज़ टू बी ब्रेव इनफ टू टेक रिस्क ऑफ लॉस तो यहाँ पर हमने एक बहुत ही अच्छे से ड्रॉबैक के बारे में बात किया जो बहुत ही रिलेटिव है हमारे पिछले आर्ग्यूमेंट से हमने यहाँ पर बात करी रिस्क की कोई भी बिजनेसमैन होता है अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो रिस्क भी उठाना उठा रहा है क्योंकि बिजनेस में लॉस भी हो सकता है एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ डूइंग अ बिजनेस उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट लगती है और वो पैसा आपको पूरा का पूरा वापस मिलेगा या डूब जाएगा ये कोई भी नहीं कह सकता सो दिस इज द रिस्क एवरी बिजनेस मैन और ऑल्सो नॉट टेक्स टू कंक्लूड नाउ दिस इज द अनैलिसिस पैराग्राफ जहां पर हम कंक्लूजन देंगे अपना ओपिनियन स्टेट करेंगे टू कंक्लूड इट्स अ वेरी गुड फ्रेज यू कैन यूज इट अक्रॉस योर एसेज ऑल दो रनिंग अ बिजनेस इन्वॉल्व रिस्क आई बिलीव द बेनिफिट्स आउट विद द ड्रॉबैक्स आप इस लाइन को ध्यान से देखिए जो हमें दिया हुआ था उसी को हमने सैलवेज कर लिया रीफ्रेस कर लिया और अपने पैराग्राफ में लिख दिया अच्छा भी लग रहा है और हमारे लेक्सिकल री को भी शो करता है और हमारे पूरे ऐसे को कोहिजन भी देता है और स्ट्रक्चर भी देता है नाउ पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू क्रिएटिव फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग ये जो लाइन है इसको हमने अपने सेकेंड पैराग्राफ में लिखा था और अपने कंक्लूजन में एक लाइन में खत्म कर दिया दिस इज हाउ यू मेक अ कंक्लूजन हाउ एवर वर्किंग फॉर सम वन ऑल्सो हेज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेनी पीपल सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ यू कंक्लूड योर एसे आपको अगर अपना ओपिनियंस का इसे कंक्लूड करना है तो याद रखना है दैट यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन यहाँ पर आपने जो ओपिनियन दिया है देखिए फर्स्ट पैराग्राफ में हमने बोला था इवन आई एग्री यहाँ पर हम लिख रहे हैं आई बिलीव आपसे जो एग्जैक्ट सवाल पूछा गया था डू यू थिंक दउट वे द ड्रॉबैक्स आपने उसका सीधा सीधा जवाब दिया आई बिलीव द बेनिफिट्स आउट वे द ड्रॉबैक्स पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू क्रिएटिव फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग उसके बाद आपने एक और लाइन लिखी अपने पूरे एस uh, सी को एक न्यूट्रल टोन देने के लिए और ये बहुत अच्छी बात है हमें याद रखना चाहिए दैट वी डू नॉट हैव टू टेक एनी एक्सट्रीम स्टैंड वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे एस का जो टोन है वो न्यूट्रल रहे सो so, हमने एंड में एक लाइन लिख दी हाउ एवर वर्किंग फॉर समल्सो हैज इट्स ओन एडवांटेजेस एंड इट इज़ मोर सूटेबल फॉर मैनी पीपल सो दिस इज़ हाउ यू टेक अ न्यूट्रल टोन एंड दिस इज़ हाउ यू कम्प्लीट योर ओपिनियंस ऐसे आई एम श्योर अब आपको समझ आ गया होगा कि ओपिनियंस ऐसे लिखना कोई बड़ी बात नहीं है हमें अपने बेसिक रूल्स को ही फॉलो करना है उन रूल्स को याद रखना है और अपने मार्किंग क्राइटीरिया को स्पेशली याद रखना है उसको फॉलो करना है वी हैव टू मेक श्योर कि जो जो मार्किंग क्राइटीरिया में हमसे डिमांड किया जाता है वो सारी चीज़ें हम फुलफिल कर रहे हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएंगे और आपका बैंड भी बहुत अच्छा आएगा सो विद दिस आई कंक्लूड द वीडियो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अकेडमिक आइल्स के टास्क वन के बारे में सो टिल देन स्टे वॉर्म एंड स्टे ब्लेस्ड